राम राम भाई सारा ने आज है मेरे 75 हार्ड का पहला दिन। ये लाइन कहीं सुनी सुनी लगती है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अंकित भाई के जैसा वीडियो कैसे बना सकते हो। दोस्तों आप लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर अंकित भाई का वीडियो तो जरूर देखा होगा क्योंकि इंस्टाग्राम अंकित भाई के वीडियो को एकदम से ट्रेंडिंग में ही रखता है। दोस्तों आप लोग अंकित भाई के वीडियो में देखते हैं उनके वीडियोज के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज रहते हैं एंड दोस्तों वो अपना पर डे का एक वीडियो डालते हैं जो कि 75 हार्ड डेज के अंदर आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप लोग अंकित भाई के जैसा वीडियो कैसे बना पाओगे जिससे आप लोग भी वायरल हो पाओ। अगर आप लोग उनके जैसा वीडियो बनाते हो तो डेफिनेटली आपका वीडियो भी 100% वायरल जा सकता है। जरूरी नहीं है दोस्तों आप लोग भी 75 डेज का हार्ड चैलेंज लो। आप लोग दोस्तों अपना डेली लाइफ भी दिखा सकते हो। अंकित भाई नॉर्मली जो अपना दिन में करते हैं वही सेम अपनी वीडियो के अंदर दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है लोगों को ना चैलेंज देखने में काफी मजा आता है अगर आप लोग कोई चैलेंज लेते हो। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को भी अपनी लाइफ में कोई चैलेंज लेना है तब जाकर के आपको कहीं वीडियो बनाना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको वीडियो किस तरह से रिकॉर्ड करना है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो भी आपका पूरा दिन का रूटीन रहता है आपको वही रिकॉर्ड करना है। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल आप लोग सुबह उठते हो आपको एक क्लिप सुबह उठते हुए का एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, आप लोग जो भी काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मार्केट जा रहे हो तो आपको अपने हाथ में फोन रखना है, ऐसे करना है फोन को एंड उससे आपको छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेना है। जो भी आप लोग काम कर रहे हो मतलब ऐसा नहीं है पूरा दिन का ही वीडियो आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। आपको दोस्तों सिर्फ 60 सेकंड के अंदर पूरा व्लॉग को बनाना है। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा पूरा दिन का जो रूटीन है अंकित भाई एक ही वीडियो में दिखा देते हैं, इसी तरह से आपको एडजस्ट करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हो आपको फुल डे का वीडियो रिकॉर्ड करना है। आप लोगों ने एक सुबह का, एक दोपहर का, एक शाम का, आप लोग खाना क्या खाते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो छोटा छोटा क्लिप आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं गया था अपने बैंक में तो मैंने सोचा वहाँ का मैं भी एक मिनी व्लॉग बनाऊँ अंकित भाई के जैसा। तो आज के वीडियो में आपको वही एग्जांपल के तौर पे एडिट करके सिखाऊंगा। दोस्तों मैंने तो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको उसे एडिट करना है, कैसे उसके ऊपर वॉइस ओवर करना है एंड अंकित भाई के जैसा कैसे बनाना है। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर एंड वहीं पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से एडिटिंग समझा पाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों आपको वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले कोई एडिटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप लोग कैपकट का यूज़ कर सकते हो, इनशॉट का यूज़ कर सकते हो, वी एन ऐप का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ वी एन ऐप बिकॉज इसका डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल है। तो जैसे सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे प्लस के ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जो मैंने आपको बताया था कि आपको क्लिप शूट करने हैं पूरा दिन के अपने, तो दोस्तों वहाँ पे इन्हें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा पहला क्लिप ये था, मैंने ये ले लिया, उसके बाद मेरा सेकंड क्लिप ये था एंड आपको एक एक करके सभी क्लिप्स इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी क्लिप्स अपने ऐड कर लिए। अब मैं राइट के ऊपर नीचे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड आने वाला है। अब दोस्तों आपको वीडियो के सबसे एंड में आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ब्लैक वाटरमार्क मिलता है, आपको इसे डिलीट कर देना है। ठीक है दोस्तों, डिलीट करने के बाद आप लोग ये देख सकते हो मेरा एक क्लिप यहाँ पे लैंडस्केप मोड में आ चुका है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे रोटेट का एक ऑप्शन आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो हमारा ये रोटेट हो चुका है एंड दोनों फिंगर से टच करके इसको जूम कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा वीडियो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले काम आपका यह रहता है जो आपकी वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो हाथ वगैरह ये आ रहे हैं, आपको इन्हें कट करना है। तो चलिए उन्हें कट करने के लिए सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ से दोस्तों मेरा क्लियर वीडियो आ रहा है। तो इसे कट करने के लिए स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो पहले वाला लेयर इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। बड़ा ही आसान है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही कर सकते हो एंड यहाँ पे इसका जो लास्ट का थोड़ा लेयर है इसको डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों अभी ये आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे फनी मोमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे जो अपना स्कूल का एक फोटो डाला था बिकॉज इस स्कूल के अंदर हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले वीडियो के ऊपर जाएंगे तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा कट लगा देंगे, स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला लेयर भी डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों इस वीडियो को आपको 60 सेकंड का बनाना है एडजस्ट करके, किसी न किसी तरह करके आपको या तो स्पीड बढ़ाना है, कैसे भी करके आपको 60 सेकंड का रखना है या फिर उससे कम का, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं रख सकते हो। ठीक है, बिकॉज वो फिर अंडर ऑफ शॉट नहीं आता है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको सभी क्लिप्स के अपने शॉट का लेना है। चलिए दोस्तों मैं आपको इनके सभी के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो जो मेरी वीडियो का एक्स्ट्रा लेयर था मैंने सभी को एकदम कट कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपने वीडियो का जो साउंड है उसको ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए नीचे आपको म्यूजिक को म्यूट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना वॉइस ओवर कैसे करना है, आपको ऊपर म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपको रिकॉर्ड का एक ऑप्शन मिल रहा है तो इसके ऊपर आपको
क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से जो भी आप लोग कर रहे हो, मतलब जहाँ भी आप लोग जा रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना वॉइस ओवर करना है, जिससे लोग आपकी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट में आए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए मैं आपको एक वॉइस ओवर करके दिखा देता हूँ, एंड इसी तरह से आप लोग कर लेना। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो फाइनली मेरा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। मैंने तो यहाँ पे वॉइस ओवर कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था वॉइस ओवर कैसे करना है, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग रिकॉर्डिंग बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ से चालू हो जाएगा, एंड इसके अंदर आप लोग बड़ा इजी टू वे अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। अब दोस्तों मैंने तो अपना वॉइस रिकॉर्ड कर लिया है, चलिए मैं आपको उसे सुना देता हूँ। दोस्तों हमारी YouTube पेमेंट हमारे अकाउंट के अंदर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हम निकल पड़ते हैं बैंक की ओर। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारा स्कूल, जिसको नमस्ते करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, एंड आगे हमें कन्याएं मिलती हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं, बैंक पहुंच जाते हैं। बैंक पहुंचने के बाद दोस्तों हमें पता लगता है कि मैनेजर अभी लंच पे गया हुआ है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद हमें पता चलता है कि मैनेजर लंच करने के बाद आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो बड़ा इजी टू वे मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया है, एंड आप लोग भी इसी तरह अपना वीडियो बना सकते हो। जैसे ही दोस्तों आप लोगों का वीडियो बनकर रेडी हो जाता है, ऊपर आपको एक्सपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहां से आपको हाई क्वालिटी पे अपने रील्स को एक्सपोर्ट करना है। अगर दोस्तों आपके वीएन में ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप लोग 1080p के ऊपर एक्सपोर्ट कर देना, काफ़ी अच्छा क्वालिटी आता है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं पे भी इसे अपलोड कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई सारे ने।